बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अच्छा नाजरीन, अब हम वही अपना क्विक सेशन जो हमारा एक होता है स्निपेट्स का, उसके अंदर जरा जल्दी से हम डिस्कस कर लें कि ये पिछले हफ्ते में क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हुई हैं। तो हमारे साहब शुरू करें। मैं अपने वाले फेवरेट से करूंगा जी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो कैसे भी हो, एक ओरिजिनल कंटेंट के साथ आते हैं ताहिर शाह साहब। उन्होंने जी 3 अप्रैल से, बल्कि काफी पहले से शोर मचाया था कि जी कमिंग सून, फाइनली 10 अप्रैल को वो गाना लॉन्च हुआ फरिश्ता इंसान। कैसे देख रहे हैं फरिश्ता इंसान को? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग वो, क्योंकि देखिए एक तो जो फिर जो बाद में और लोगों का भी मैंने पढ़ा कि इनका जो फोटे था या जो कमाल था वो इनकी गुलाबी अंग्रेजी का था, तो गाना उर्दू में था, शायद इसलिए हमसे रेजोनेट नहीं किया। दूसरा, लोग ताहिर शाह को देखना चाहते हैं, फैन तो हम ताहिर शाह के हैं। ये जो सस्ता चाइना का कार्ड जो ग्राफिक्स बनाए थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मजा उस तरह नहीं आया, क्योंकि देखिए हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ताहिर शाह आएंगे, वही कोई गाउन शाउन पहना होगा, कोई आसपास कोई हरियाली शरियाली होगी, फिर गाना, बेशक ये फरिश्ता इंसान गा लेते, लेकिन जरा खुद वीडियो में आते थे और इतना हमने 4 साल इंतजार किया उनके अगले गाने के लिए, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है फैंस के लिए, क्योंकि मैं उनका बहुत खुद फैन हूँ। तो ताहिर साहब जरा सा अगर इस पे आप एक वीडियो ही बना दें अच्छी सी अपने साथ तो फिर अच्छा मजा आएगा। अगले पे आ जाते हैं, उन्होंने डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज किया जो आ रही है वीडियोज आ जाती है कि वो कोरोना वार्ड के अंदर है और वो म्यूजिक पे थोड़ा सा अगर डांस किया है, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा कीमती वक्त होता है और आप लोगों का क्या इसके ऊपर वो है, मैं तो ये गलत समझ रही हूँ और ये कोरियोग्राफ डांसेस हैं, जबकि मैंने नहीं देखा कोई 4 डॉक्टर्स ने मिलके एक जैसा कोई स्टेप किया। तो क्या देख रहे हैं हम, नेगेटिविटी हर हाल में, क्योंकि जिस सिचुएशन जिस प्रेशर में वो काम कर रहे हैं, अगर वो इस तरह कुछ हो भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें कोई बहुत बड़ा मसला है। नहीं तो ठीक है, एंटरटेन कर रहे हैं आपके तो अच्छी बात है, देखिए आपकी वाली बात है, इट्स अ गुड थिंग। डॉक्टर्स भी एक हेक्टिक शिफ्ट में है, फिर जो मरीज है वो भी आइसोलेशन में, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, तो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ मिलता है, मिल जाए। असल तो मामला उशाना शाह का है कि ये, अगर आपको याद हो, ये वही खातून है जिन्होंने एक, हमने पहले इसको कवर किया था, जो कहीं थे पिज्जा वाला मैंने कुत्ता पकड़ा हुआ अंदर नहीं आ रहा था, तो इनको आदत है इस किस्म के लतीफे करने की, तो खैर उन्होंने माफी मांग ली है तो इसके ऊपर ज्यादा हम भी बात नहीं करते। चले बिल्कुल ठीक है, हाँ उन्होंने माफी मांग ली है तो हम इनको जाने देते हैं। अगली स्टोरी है समीना अहमद और मंजर सहबाई। माशाल्लाह उन्होंने इस उम्र में शादी की है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? कई लोगों ने इस पे मजाक भी बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा इसको जाना है, तो आप किस तरह इसको देख रहे हैं? अच्छा मुझे तो रजिस्टर भी नहीं हुआ था, मैंने जब तस्वीर देखी मुझे लगा शायद इनकी कोई ये होंगे शादीशुदा, ये कुछ 40वीं 50वीं सालगिरह मना रहे होंगे, बट जब फिर बाद में बहुत ये वायरल हुई तो अच्छी बात है भाई, एक सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक यहाँ पे मायूब समझा जाता है, वेस्ट में तो लोग 4-4, 5-5, 6-6 शादियां करते हैं, 70-80-90 कोई ऐसा वो नहीं है, तो अच्छी बात है बिल्कुल, अगर वो साथ रहना चाहते हैं। जिस उम्र में वो हैं इस वक्त उनको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत तो है, तो इससे अच्छी क्या बात है कि आप सुन्नत नबवी को फॉलो करते शादी कर लें और अपना जो है बाकी जिंदगी गुजारें उस तरीके से। तो हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले इसके अंदर कि जी ये कोई उम्र है, वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम और इस तरह की बातें करने को लोग तो हमारे ट्रोलिंग की आदत है ना। मियां साहब नेगेटिव कमेंट्स भी थे बट पॉजिटिव कमेंट भी बहुत ज्यादा थे। देखिए चलें आगे चलते हैं, आपकी फेवरेट वफाकी वजीर बाजी आशिक फिरदौस अवान के साथ उनका भी एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है। हाँ
वो ये हुए कि वो जो एहसास प्रोग्राम के अंदर जो है वो 12,000 रुपए दे रही हैं एक खातून, और उनसे पूछती हैं कि जी आपके कितने बच्चे हैं, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया जी मेरे 8 बच्चे हैं। तो फिरदौस आशिक साहिबा कहती है कि जी तो खावत क्या करता है ये काम करने के अलावा, तो ये एक तो इन पैसों का क्या करेंगे, 8 बच्चे हैं, खावत क्या करता है इस काम के अलावा। Obviously, इस तरह के मजाक तो कोई भी कर लेता है, और वो कोई उन्होंने भी कोई कर लेते हैं, बट एक ह्यूमन डिग्निटी होती है। अब ये बड़ा मामला, एक आपने ये भी समझना कि जो लोग अब अपने घरों से बाहर आ रहे हैं उनकी डिग्निटी को भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। एक वो तो देखिए बात जो ये कहते हैं कि आपको इस चीज की तशहीर भी नहीं करनी चाहिए, आप अपनी वेरिफिकेशन करें बट जरूर करें, बट ये जो ये सफेदपोश लोग हैं जो एक मुश्किल वक्त में है तो उनसे ये पूछना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि इसके अलावा और खावन क्या काम करते हैं। देखिए लाइटर वे में आप और हमें तो लाइट लग रहा है, बट जिसके साथ किया जाए उसको शायद वो उसको उस तरह से फील ना करे, वक्ती तौर पे तो खातून हंस पड़ी शायद। नहीं बात तो आप सही है कर रहे हैं, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि फिरदौस आशिक ने तो उस वक्त ये भी नहीं गौर किया कि उसके ये मोबाइल से वीडियो बनी हुई है, कोई दूर से वीडियो बना रहा है, जिसने चढ़ाई है उसको इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए था कि किसी की तस्दीक तो नहीं हो रही, क्योंकि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और बड़े कैजुअल वे में कर रहे हैं, तो वो कोई इस तरह की बातें हो जाती हैं। आप आपस में अगर बात कर रहे हो, उन्होंने कोई इस तरह नहीं कहा कि खास कैमरा मेरी तरफ है और मैं ये करूंगी तो उस तरह होगा, एक नॉर्मल वे में वो खवातीन की बात हो रही है, और बाकी नहीं पता कि उस खातून ने दूसरी खातून ने और क्या बातें की होंगी, क्योंकि वीडियो सिर्फ इतने से क्लिप की है, तो जो जिसने अपलोड किया है उसको भी थोड़ा सा इस चीज को देखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है जिसमें लगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इसको कोई इतना नेगेटिव उसमें देखना चाहिए। आजकल वैसे ही हम बड़े डिप्रेशन में गए हुए हैं इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, अगर हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी बात कर दी है कोई ठीक बात की है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर देना चाहिए हम लोगों को। तो नाज़रीन आप हमें जरूर बताइएगा, अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और कोरोना का जो ये लॉकडाउन अब पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है, इस दौरान आपने अपने आप को किस तरह से मसरूफ रखा हमें बताइएगा, कि आपके अपने इलाकों में क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा फेसबुक पे कमेंट्स के जरिए। जी नाज़रीन आप हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा, कोई पॉइंट ऐसा हो जो हमने मिस कर दिया हो, कोई ऐसी डिस्कशन जो जरूरी हो और हम तक हमें आगे पहुंचानी हो, जिसपे हमें डिस्कस करना चाहिए, वो जरूर हमें बताइएगा। और कोरोना के अंदर आप लोग किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, और ये जो लॉकडाउन है क्या इसको अब थोड़ा सा ईज डाउन हो जाना चाहिए या इसको और सख्ती कर देनी चाहिए हुकूमत की, इस चीज को देखते हुए कि बाकी ममालिक में किस तरीके से डेथ रेशो बढ़ रहा है, हम उस साइड पे ना चले जाएं इसको किस तरीके से, तो अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।